देखो दोस्तों, 498 का केस और डाइवोर्स का केस हमेशा हस्बैंड ही जीतता है। जी हाँ, महिला कितनी भी कोशिश कर ले तो भी नहीं जीत पाएगी। कारण इसका मैं आपको बता देता हूँ अच्छे से। आज कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर मेंटेनेंस का केस और डीवी का केस पत्नी की तरफ से होता है ना, तो भाई वो जीत जाएगी, लेकिन 498 का केस कभी जीत नहीं पाएगी महिला। उसका कारण क्या था मैं आज मैं आपको बता देता हूँ। कारण ये होता है कि 498 का केस 90% प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। जी हाँ, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। आज की डेट पे जो डोरी की डिमांड के लिए केस किया जाता है, वो 90, 85%, 70, 80, मतलब हर बार हर साल एनसीआरबी के आंकड़े चेंज होते रहते हैं, लेकिन 70 से नीचे कभी नहीं जाते हैं। ये बात समझ लेना। तो 70, 80, 90% मामले, मतलब आपको पता है कि प्रेशर बनाने के लिए किया जाता है। तो इस वजह से कभी महिला 498 केस का आसानी से नहीं जीत पाएगी। आपने देखा होगा कहीं भी, आज की डेट में कहीं भी जो भी जजमेंट आए, 498 को जो जीता है फाइनल में, उनको कितना समय लगा? 20 साल 15 साल। पति ही जीते हैं, पत्नी नहीं जीती। हालांकि 498 का केस कभी आज की डेट पे फाइनल पे जाता नहीं है, पहले से ही म्यूचुअल में खत्म हो जाते हैं, या तो डाइवोर्स हो जाता है या साथ में रहने लग जाता है, जो भी होता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज इनके बेस पे खत्म हो जाता है। इसका फुल एंड फाइनल डिसीजन कभी भी नहीं आता। आज की डेट पे 99% 498 केस का फाइनल डिसीजन कभी नहीं आता है। जी हाँ, दूसरी बात, इसी कारण से पत्नी इस 498 केस को नहीं जीती है, क्योंकि प्रॉपरली एक कहती है, मौखिक रूप से कहती है कि साहब मेरे पास कोई एविडेंस वगैरह कुछ नहीं है, और मौखिक रूप से जानबूझ के हरासमेंट करने के लिए, या तो जल्दी फ्री होना है। एक्चुअल में जिनके पास परेशानी होती है, तो उनके पास सबूत भी होते हैं, एविडेंस भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो जो 10-20% महिलाएं होती है, उनको रिजल्ट मिलने में 10 से 20 साल लग जाती है, अगर फाइनल लड़ना चाहे तो। इतना आज की डेट में कोई लड़ना भी नहीं चाहता, फैमिली का मैटर होता है। दूसरी बात, डाइवोर्स केस पति क्यों जीतते हैं हमेशा? देखो, ऐसे तो डाइवोर्स डालते नहीं पति, अगर डाल भी देते हैं तो उनके पास कोई ना कोई ग्राउंड होता है, ग्राउंड या एविडेंस वगैरह उनके पास सब कुछ होते हैं, सबूत, गवाह, सब कुछ होते हैं, तभी जाके वो एक डाइवोर्स का केस करते हैं। इस वजह से हमेशा डाइवोर्स का केस और दहेज का केस होता है, मैक्सिमम हस्बैंड लोग जीतते हैं, ये केस महिला नहीं जीत पाती है। तो इसी वजह से, जैसे महिला के पक्ष में कुछ है तो पुरुषों के पक्ष में भी कुछ है, कुछ केसेस हैं जो पुरुषों को सपोर्ट भी है तो महिला को सपोर्ट तो नहीं है, हरासमेंट होता है 498 में। लेकिन आजकल जो लोग हैं ना, वो हरासमेंट से अभी डरते नहीं है बिल्कुल ही। अब तो वही है कि चलो आने दो, जो होगा वो देखा जाएगा, वही वाला फंडा होगा आज की डेट पे। तो चलो आने दो के चक्कर में ना, अब जैसे एंटीसिपेटेड बेल मिल जाती है, तुरंत केस चलता रहता है, लॉन्ग चलता है, डेट पे डेट आती रहती है, कोर्ट जाते हैं, एंजॉय के साथ जाते कोर्ट में। आज की डेट में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या होता था, केस के नाम से लोग डर जाते थे, बहुत बुरा लगता था। हालांकि आज की डेट में भी काफी लोग डरते हैं, लेकिन अब अवेयरनेस इतनी हो गई है सोशल मीडिया से, आप लोग कहीं भी ब्लॉगिंग से, वेबसाइट से, हर जगह आपको कहीं कहीं सूचना मिल जाती है। तो इस वजह से अब जो डर खौफ था, वो खत्म हो चुका है लोगों का। और ये दोनों का मैक्सिमम फैसला होता है फाइनल, वो हस्बैंड के पक्ष में होता है, ना कि पत्नी के पक्ष में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक सिंपली बात है, मैं एक फ्री मूड में एक वीडियो बनाया था, इससे कानून का कोई भी नहीं, लेकिन हाँ, ग्राउंड लेवल की जो स्टोरी है वो मैं इसमें ऐड किया हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।